और देखिए देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। और देखिए देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो पहले शुरू करते हैं हम हमारे यार भारत के ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो वाले अंकिल अर्नब गोस्वामी से। देखे जरा ये खोलने तो जाते हैं सच्चे पत्रकारों की पोल, पर इनकी बातों से ये खुद और इनका गोदी मीडिया का ही सच सामने आ जाता है। देखे इस क्लिप में। इस सेशन का हमने नाम लिखा है योगी का जलवा 2022 में क्या भगवान। अरे इस निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है, ये नौटंकी कहते हैं इसको। सच्चाई के लिए नहीं लड़ेंगे मगर ड्रामे के लिए लड़ेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा पहले न्यूज 18 को कि उन्होंने आज इस बात की घोषणा की है कि योगी का भगवा अपना जलवा कायम रखेगा। और उनके साथ एक पॉलिटिकल पार्टी बैठ गई, एक राजनीतिक दल और एक चैनल अगर बैठ जाए और इस तरह की स्ट्रेटेजी करे तो ये एक दो दिन में उजागर हो जाता है। आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। मतलब कि सच्ची में न्यूट्रल चैनल अगर है तो सिर्फ रिपब्लिक भारत है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एक तो लोग महंगाई से बहुत त्रस्त हैं। अगले क्लिप में हम देखेंगे कैसे रवीश कुमार इन गोदी पत्रकारों जैसे कि अंजना दीदी इनकी कैसे कमर उधेड़ कर रख देते हैं। आप जरा देखें इनके न्यूज दिखाने का तरीका और बाकी गोदियों के न्यूज दिखाने का तरीका कितना ही अलग है। भारत का गोदी मीडिया कितनी चतुराई से उन लोगों को लेक्चर दे रहा है जो बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं। उनसे कहता है कि कानून पर भरोसा करना होगा, सब कानून से ही चलेगा। गोदी मीडिया जानता है कि कानून कैसे चलता है, उसे यह भी पता है कि यह कानून किसके हिसाब से है और किसके खिलाफ है। गोदी मीडिया को यह सच्चाई मालूम है और वह उस बहुमत की सच्चाई भी जानता है जिसके दम पर कानून के सहारे बुलडोजर चलवाया जा रहा है। उसे पता है कि पार्षद से लेकर किन नेताओं ने अतिक्रमण किए हैं, मगर वो कभी अपने कैमरे को वहां तक नहीं ले जाएगा। चाहे वो मस्जिद, चाहे वो जूस कॉर्नर, जो भी अवैध निर्माण था, अगर अवैध है तो टूटेगा। और दूसरी तरफ वो बड़ा संदेश कि अगर अवैध है तो टूटेगा। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, एक एक करके ये समान तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक एक करके यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलडोजर समस्या है या फिर समाधान है? बुलडोजर जहाँ चल रहा है वहाँ केवल कानून के नाम पर या कानून के लिए नहीं चल रहा है, राजनीति उसे चला रही है। आइए अगले क्लिप में हम देखेंगे हमारी रूह भी की लियाकत जी के दिल का मुस्लिम कैसे जाग उठा। वैसे तो हम सबको पता है ये मोहतरमा कभी सच का साथ नहीं देती और ना कभी एक समुदाय जिससे ये खुद भी बिलोंग करती हैं कभी उसे गलत ठहराने का मौका नहीं छोड़ती। पर बजरंग मुनि ने जब मुस्लिम महिलाओं के प्रति घटिया शब्दावली का इस्तेमाल किया तो हमारी रूह भी का दीदी ने सोचा कि नहीं, अब थोड़ा तो चाटुकारिता का पक्ष छोड़ना होगा और भिड़ गई भगवादारियों से। प्रोफेसर साहब हमारे पद बांटने लगे। एक सेकंड, वो कौन है? मैं उस शख्स के नाम के आगे मेहनत नहीं लगाऊंगी। क्या नाम है उसका? बजरंग मुनि। क्या कह रहा है वो? महिलाओं का रेप करेगा? हाँ, हम लोग यहाँ पर उसकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। नहीं कौन नहीं है भगवान जी, ये तो मैं बोल रहा हूँ। गलत गलत है भगवान जी, मैं यही बोल रहा हूँ आपसे। ऐसे भगवान आर्य एक नहीं बहुत घूम रहे हैं जो कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं का रेप करेंगे। हाँ, विशाल मिश्रा जी, के शर्मा जी और विजय शंकर तिवारी जी, ये मुझे जवाब दीजिए। हाँ, साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का, जवाब दीजिए मुझे इस पर। भगवा पहन कर वो कुछ भी कर देगा, कंपनियां करता है। आज ये धारक को जितना दंड दे सकते हैं देना चाहिए। बताइए आप बिल्कुल इसके विरोध में। राम नवमी के पर्व के दिन ये क्या है? एक नियोजित षड्यंत्र नहीं है? कहां से पत्थर आ जाते हैं, कहां से राड आ जाते हैं, से भी जवाब दिया, शोएब जामई से भी जवाब दिया। विशाल मिश्रा, पहले मुझे ये बताइए उन भगवा धारियों के बारे में क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब?
ये फंस गया सीएम। उसने महिलाओं का रेप करने का सरेआम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे जैसे वो जो है किसी तरह का कोई बैज ऑनर जो है लगाने वाले। ये जो महानुभाव है ये हमारे सामने आए नहीं है। महिलाओं के सामने वो आ जाए और वो किसी भी मजहब की महिला हो, हम बताते हैं उनको महिला है क्या? मजाक लग रहा है ये मुनि को? जहन्नमी 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 कि वो बैठ के कुछ भी कहेगा और हिंदुस्तान की महिलाएं सुनेंगी। ना ना मैं तो बोल रहा हूँ आपसे, इस प्रकार के बयान का मैं कतई ही समर्थन नहीं करता, बिल्कुल निंदा करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ उतरवाइए उससे भगवा परंपरा, हमारी लोग उससे भगवा उतरवाइए, वो लायक नहीं है भगवा पहनने के। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हमने तो भेदभाव किया ही नहीं, हमने तो दुनिया को अपना कुटुंब माना है, परिवार माना है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के त्योहार पर, पावन पर्व पर इस प्रकार की घटनाएं घट रही है तो उस समाज के मुखिया क्यों नहीं आगे आकर कंडेम करते हैं? क्यों नहीं उस धर्म विशेष के अगलों तो आगे आकर कंडेम करते हैं? गलत गलत है, गलत को गलत ना कहते, गलत को गलत कहेंगे। विजय शंकर तिवारी ने कहा उल्टा लटका के मारो। जिंदगी लूनी टून नहीं है कि जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम। अगले क्लिप में हम देखेंगे जब शोएब जमाई ने रूबीकी के चैनल पर बैठे भगवाचार्य अजय गौतम को दांतों तले चने चबवा दिए। देखें इस क्लिप में जब बहस हो रही थी कि अगर आप अजान स्पीकर पर पढ़ेंगे तो हम भी हनुमान चालीसा स्पीकर पर पढ़ेंगे, तो शोएब जमाई ने कहा कि मुसलमान तो खतना भी करवाता है, तो हमारे आचार्य चुप रह गए। और ये डिबेट्स हमें तो बहुत बेतुकी लगती हैं और इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसकी बेइज्जती कर रहा है, मुस्लिम हिंदू की या हिंदू मुस्लिम की। हमें इसलिए ये नहीं अच्छी लगती क्योंकि ऐसी डिबेट हमें हमारे देश में चाहिए ही नहीं जो सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को आपस में बांटे। अगर आपको डिबेट करनी है तो शिक्षा पर कीजिए, हमारी तरक्की पर कीजिए। पैदा होती है, मैं नहीं सुनना चाहता। तो मुसलमान तो खतना भी कराता है। आप उस पत्रकार के साथ मौजूद थे कि माता के जगराते में मौजूद थे? ये अलग बात है कि आज जर्नलिस्ट बरादरी अपनी पत्रकार के लिए आवाज नहीं उठा रही। और ऐसा कीजिएगा, अपने ऑफिस के बाहर लाउड स्पीकर लगवा दीजिएगा, उसकी आपको मैं छूट दे दूँ। आजा संडास दिखा दो। आचार्य अजय गौतम, जिस तरीके से देखिए, बात यह है यहाँ इस्लाम को ही मानने वाले लोग बैठे हैं, आपकी आस्था मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद में है, आपकी आस्था अल्लाह में है, आपकी आस्था इस्लाम में है, मेरी तो नहीं है। मेरी नहीं है तो अगर मैं उस अजान को सुनता हूँ तो मेरे लिए वो अजान आपके लिए मुकद्दस है, लेकिन माफ करिएगा, मेरे लिए उस अजान को सुनना अपवित्र है, अनहोली है और मेरे काम के, मेरे धार्मिक अधिकारों के अंदर वो अतिक्रमण है। जो सुबह से कह लीजिए जो सुबह की नमाज होती है वो 5 बजे के आसपास, वो कौन सी होती तो, है? फिर तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहेंगे माता के जगराते में हमें परेशानी होती है, नींद नहीं आती है। माता का जब गणेशोत्सव होता है, पंडाल लगते हैं, तब भी माइक लगे हुए होते हैं, लाउड स्पीकर लगे हुए होते हैं, फिर ऐसे तो हम एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पाएंगे। रूबिका जी, बात यह है, अपन और पाइन एप्पल मिक्स नहीं हो सकते। पांचों टाइम में जो हम लोगों को टॉर्चर सहना पड़ता है, हमें जो टॉर्चर सहना पड़ता है वो उसको 9 दिन से नहीं कंपेयर किया जा सकता। मेरे लिए अजान का सुनना पवित्र है, अनहोली है, मेरे लिए मुकद्दस नहीं है। अजय गौतम कह रहे हैं कि वो मेरे लिए मुकद्दस नहीं है, मुझे परेशान कर रहा है। मैं शब्द बोल रहा हूँ, मेरे लिए अनहोली है, अपवित्र है, मेरे काम में उससे मनुष्यत पैदा होती है, मैं नहीं सुनना चाहता। ये रॉन्ग नंबर है जी। रूपिका जी देखिए, मेरा तो किसी से विरोध नहीं है, किसी भी धर्म की अपनी जगराते हो या कोई भी अपने धार्मिक काम हो, किसी का विरोध नहीं है। मुसलमानों ने तो कभी किसी भी धर्म वालों का विरोध नहीं किया कि आप क्यों ऐसा करते हैं, नहीं करते। हमने तो विवाद ही नहीं शुरू किया, कभी नहीं किया। बिहार से एक वीडियो आया, उसमें उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने, अदरवाइज मत लीजिएगा, कि भाई 5 वक्त आप मुसलमान अजान पढ़ते हैं, अजान देते हैं, तो इसलिए मैं 5 बार हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ठीक उसी वक्त में। कंपटीशन, यानी जो हम करेंगे उसी को आप करेंगे। बहुत अच्छी बात है साहब। तो मुसलमान तो खतना भी कराता है। तो ये आप समझिए ना कि कहां देश जा रहा है। इसलिए इस तरह की इलॉजिकल चीजें नहीं हो सकती। जो बात सही ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको माना जाए और सब माने, अदरवाइज ब्लैंकेट बैन लगाना है लाउड स्पीकर पे तो सब जगह हो,
पूरे देश में हो, उसके उसकी सब जगह यहाँ से उसमें किया जाए, हमारा तो कोई विरोध नहीं है। अब आपने ज्ञान दे दिया अपना, किसी का विरोध नहीं करता है। हमारा ये कहना है कि जो हमने अल्टीमेटम दिया 3 तारीख तक, ईद खत्म हो रही है उस त्योहार के बाद वो लाउडस्पीकर हटा है, ये हमने मांग रखी। शोएब जामाई, सुना आपने, 3 तारीख तक अल्टीमेटम, भाई ईद है, ईद के बाद कानून के तहत वो लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए। जी रूबिका जी, इन्होंने कानून के पालन की बात की, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, आपके नोएडा में एक आपके राइवल चैनल के पत्रकार ने रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच में बहुत लाउड स्पीकर से जगराते हो रहे थे, वहां जाके रुकवाया। जिन लोगों ने, वहां पे ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने उस जर्नलिस्ट के घर पे सिर्फ जाके उसको मारा ही नहीं, बल्कि उसकी बीवी की साड़ी खींच ली और उसके बच्चे को 6 घंटे तक धमकाते रहे। तो जो नफरत है इतना मौजूद पहुंच गया है कि वो आपके घर और तक मौजूद थे, आप उस पत्रकार के साथ मौजूद थे कि माता के जगराते में मौजूद थे? आप बता तो इस तरीके से रहे जैसे आप बिल्कुल वहीं पर मौजूद थे कि बच्चे को टॉर्चर किया, उसके बाद फला चीज हो गई, ये कर दिया। मैं उस पत्रकार के साथ मौजूद हूं और आप उस पत्रकार के अकाउंट को लिया भी है, उस पत्रकार के यहाँ से साथ जो बातें हुई है वो भी मैं आपको सार्वजनिक करूंगा और पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। ये अलग बात है कि आज जर्नलिस्ट बरादरी अपने ही पत्रकार के लिए आवाज नहीं उठा रही, भाई उनके चैनल वाले नहीं उठा रहे तो आप कहां से उठाएंगे? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। ये बात तो, लेकिन नफरत सबके घर तक पहुंच गया और इसका खामियाजा लोगों को। साहब ऐसा कीजिए, आप अपना एक चैनल खोल दीजिए और उन तमाम पत्रकारों के लिए आवाज बुलंद करना शुरू कीजिए, और ऐसा कीजिएगा अपने ऑफिस के बाहर लाउडस्पीकर लगवा दीजिएगा, उसकी आपको मैं छूट दे दूं। ये तो टट्टी है, उसके लिए तो मुझे लगता है देशपांडे जी भी छूट दे देंगे। पत्रकारों के लिए आपको जो ये आवाज बुलंद करनी है ना अपने घर पर बैठकर, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा जरूर। भारत के अंदर $87 बिलियन का रिमिटेंस फॉरेन से आता है हर साल, सिर्फ 5 इस्लामिक मुस्लिम कंट्रीज से जहां अजान भी होती है सब कुछ होता है $42 बिलियन का खर्चा आता है। 32 लाख भारतीय हिंदू इन मुस्लिम देशों में काम करते हैं। ये जो नफरत फैल रही है क्या वो मिडिल ईस्ट के लोग तो कहना क्या चाह रहे हैं आप, और बड़ी पैरवी कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज की? अरे अपने हिंदुस्तान की पैरवी कीजिए ना, मुस्लिम कंट्रीज पर आप यहाँ पर इतरा रहे हैं, आप जाइए ना वहाँ पर, रोका है किसी ने आपको? गो टू ऑल दोस मुस्लिम कंट्रीज।